दोस्तों जब मैं रणथंभौर फोर्ट एक्सप्लोर कर रहा था तो हमें वहाँ पर कुछ पिल्लर्स दिखाई दिए और आज हम आपको कुछ पिल्लर्स के बारे में बताएंगे। इन पिल्लर्स को देखकर हम आज के आधुनिक युग की कल्पना करने लगते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इन पिल्लर्स को 13वीं सदी में बनवाया गया है, जो प्राचीन भारत के आर्किटेक्ट की महानता को दर्शाता है कि इन पिल्लर्स को बड़ी बारीकी से तराशा गया है। एक ही पिल्लर्स पर विभिन्न चित्रों का वर्णन हमको इन पर देखने को मिलता है। यह किसी कालखंड को प्रदर्शित करता है। साथ ही यहाँ पर नृत्य करती हुई मोहिनी की प्रतिमा बनाई गई है। पिल्लर पर बनाई गई है प्रतिमा, ऐसा लगता है मानो मानव रूप को पत्थर पर बड़ी बारीकी से उकेरा गया है। जब हम प्राचीन भारत की कलाकृतियों के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात जो हमें इन सबसे भिन्न लगती है, आखिर यह कैसे संभव रहा होगा। उस समय के आर्किटेक्ट इन पिल्लर्स पर छेनी व हथौड़ी से ही कृतियों को बनाते थे। यहाँ तक कि प्राचीन भारत के जितने भी मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं वह सब इन्हीं आर्किटेक्ट की देन है। आर्किटेक्ट का एक अच्छा उदाहरण इन पिल्लर्स को हम देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर ऐसी बहुत सी इमारत बनी हुई है जिनको आर्किटेक्ट द्वारा बड़ी ही बारीकी से बनाया गया है। इस शब्द का मतलब हमें नहीं मालूम, मगर यह शब्द इस पिल्लर पर बना हुआ है। यह महल प्राचीन काल में राणा हम्मीरदेव चौहान के सेनापति या सेनाएं निवास करती थी और यहाँ से ही जो कमांडो होते हैं आज के समय के वो राणा हम्मीरदेव के साथ जाते थे। जब राजा नगर भ्रमण पर या युद्ध क्षेत्र में जाते थे या किले से बाहर जाते थे तो ये सैनिक राजा के साथ ही जाते थे, जिन्हें स्पेशल कमांडो कहा जाता था। इसके जस्ट सामने बना हुआ है राणा हम्मीरदेव चौहान का महल, जिसे हम्मीर महल के नाम से जाना जाता है। यह महल 32 खंभों की छतरी के पास बना हुआ है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि यह महल कैसा दिखता है और आज भी यह खंडर है या वैसी ही अवस्था में बना हुआ है। रणथंभौर किले की अधिकतर इमारतें खंडर में बदल चुकी है। अभी पुरातत्व विभाग की तरफ से इस महल में प्रवेश वर्जित है। कहा जा रहा है कि इस महल में एक म्यूजियम खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसके कारण ही प्रवेश वर्जित है। खैर सच्चाई कुछ भी हो, उम्मीद है आपको एंशियंट इंडिया की ये कलाएं पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो ऐसे ही नई वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेते आपसे विदा, तब तक के लिए धन्यवाद।